देखिए, पीएच का महत्व तो हम जानना चाहते हैं कि भाई पीएच का महत्व तो क्या होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ही ज्यादा महत्व। अगर हम महत्व की बात करें तो सबसे पहले पाचन के बारे में समझ लें कि पाचन क्रिया में पीएच का क्या महत्व है। अगर पीएच का महत्व की बात करें पाचन क्रिया में, तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? HCl के कारण। मतलब हमारे पेट में जो भोजन पचता है उसमें मुख्य सहयोगी कौन है? HCl। कौन होता है? HCl होता है। और जिसका पीएच मान लगभग एक होता है। कितना होता है? इसका पीएच मान लगभग एक होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अपच के कारण या किसी अन्य कारण से जब सामान्य से अधिक हो जाती है, जब पीएच की मात्रा हमारे शरीर में सामान्य से अधिक हो जाती है, ऐसी स्थिति में हमारे पेट में दर्द और जलन होने लगता है, जिसको ठीक करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ये तो हुआ पाचन क्रिया के बारे में। लेकिन हम बात कर रहे हैं दांतों पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है दांतों पर। तो आप जानते हैं कि जो हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं, उस शर्करा युक्त भोजन जब हमारे मुख में रहता है तो हमारे मुख में होता है बैक्टीरिया, जिसको हम जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु से क्रिया करके अम्ल में बदल देते हैं। इसमें और क्या अम्ल जानते हो क्या करता है? हमारे दांत का सबसे मजबूत परत दंत वल्क जो होता है उसको क्या करता है? वह क्षतिग्रस्त करने लगता है, और क्षतिग्रस्त जब कर देता है तो उसमें छिद्र बनने लगता है, जिसको हम दंत अस्थिक्षय कहते हैं। वह छिद्र बनने लगता है और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हैं कि टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? और हमको यह समझना होगा कि भाई टूथपेस्ट के उपयोग करने से दांत सुरक्षित कैसे हो जाता है। मैंने कहा कि भाई मुख में जो हम शर्करा युक्त मैंने चिनिया बेदाम ना खानी सर, चिनिया बेदाम मीठ मीठ चीज जब खा ला तो मैं भीतर में बैक्टीरिया जीवाणु, ये जीवाणु उसको क्या करता है? ये जीवाणु उसको क्रिया करके एसिड में अम्ल में बदल देता है। किसमें? अम्ल में। और जब अम्ल में बदल देता है तब क्या होता है? तब यह हमारे दांतों के अस्थि क्षय करने लगता है, माने दंत प्लांक को जो है जो मजबूत जो भाग है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है, उसमें छिद्र बनाने लगता है। लेकिन हमारे मुख में जो लार है, लार इमली कहला पर जो टपके लगे कह लार ना, जिसे इमली कह दिला चाहे कोनो बढ़िया चीज हो गए, एक नाम सुनते ही अगर मुख से जो निकलता लिक्विडो का नाम का लार, तो हमारे मुख में जो लार होता है वह क्षारीय होता है। कैसा होता है? और एसिड बना है जो दांत को खराब करता है, वो लार जो क्षारीय होता है उसके कुछ भाग को क्या करता है? नष्ट कर देता है। जो हमारे भीतर जो है दंत प्लांक को दंत वल्क को जो क्षति पहुंचाते हैं कौन? एसिड। एसिड माने अम्ल। इसको जो है यह जो लार जो है लार जो क्षारीय होता है कैसा होता है? यह इसके कुछ भाग को नष्ट कर देता है, सब भाग को नहीं कुछ भाग को। और जो बच जाता है एसिड उसको समाप्त करने के लिए हम क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। और जब ऐसे ऐसे मंजन करते हैं ना, उसमें से क्षार निकलता है और वह क्षार इस अम्ल को पूर्ण रूप से उदासीन कर देता है, खत्म कर देता है और हमारा दांत सुरक्षित हो जाता है। ये हम लोग पिछले क्लास तक पढ़े थे। उसी प्रकार से हम लोगों ने ये भी समझा है मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो यह है कि जब हम अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, जब ज्यादा मेहनत का काम करेंगे, तो ज्यादा मेहनत के काम करने से क्या होता है? हमारे भीतर हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी? कमी। और ऑक्सीजन की कमी आ जाने से वात निरपेक्ष क्रिया का गति क्या होता है? बढ़ जाता है। माने जब हम ज्यादा मेहनत करेंगे ना, तो हमारे शरीर के जो मांसपेशियां हैं उनमें ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी? कमी। और ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो हमारे भीतर जो वात निरपेक्ष उपापचय की जो क्रिया है वह क्या हो जाएगा? उसका स्पीड बढ़ जाएगा। क्या होगा? ऐसी स्थिति में ग्लूकोज का पाचन पूर्ण रूप से नहीं होगा और वह बना देगा क्या? लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल कोशिकाओं में बनेगा, जो मांसपेशियों में क्या हो जाने लगेगा? संचित होने लगेगा। और लैक्टिक अम्ल के संचित हो जाने के कारण मांसपेशियों में गढ़ापन, खिंचाव और दर्द उत्पन्न होने लगता है। इसके बाद हम लोगों ने समझा था बर्तन साफ करने से संबंधित।
जैसे तांबे का बर्तन है और उसको लंबे समय तक हवा में खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, उस पर जो है से वह संपर्क करके वह कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? खराब, बदरंग हो जाएगा, माने पूर्ण से वो ठीक नहीं रहेगा, माने जो मटमैला रंग का हो जाएगा। फिर हम करते क्या है, तो नींबू लेते हैं, कागजी नींबू, उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। उस सिट्रिक अम्ल के कारण जब हम उसमें रख कर और ऐसे जब उसको साफ करते हैं तो जो कॉपर का ऑक्साइड है वह सिट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा और कॉपर सिट्रस कर देगा और इस प्रकार से उस धो लीजिए बाहर निकल जाएगा, तो इस प्रकार से बर्तन भी साफ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिट्टी का जो पीएच होता है वह 7 के आसपास होता है। कितने के आसपास? जो मिट्टी का पीएच होगा वह 7 के आसपास होता है। और जब 7 के आसपास होगा तो पेड़ पौधा में उपज जो होगा, वृद्धि जो होगा वह ठीक ठाक होगा। जब पीएच मिट्टी में कितना रहेगा? 7 के आसपास। कितना? जब 7 के आसपास रहेगा तो जो मिट्टी में जो आप बोइएगा फसल पेड़ पौधा जो भी है उसमें वृद्धि ठीक होगा। नहीं, जैसे ही उसका पीएच 7 से बढ़ जाए या घट जाए तो पौधों में विकास ठीक नहीं होगा और माने फसल में उपज भी नहीं हो पाएगा। उसी तरह से जल की बात करते हैं, जल में जब तक पीएच मान 7 के आसपास रहता है वह उदासीन होता है और उदासीन होने के कारण उसमें जीव जंतु जो जलीय जीव है जैसे मछली इत्यादि सुरक्षित होते हैं। जैसे ही पीएच मान 7 से कम होता है उसका अम्लीयता गुण बढ़ने लगता है तो उसके भीतर जो भी जलीय जीव है वह धीरे धीरे मरने लगते हैं और नष्ट होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार एक अंतिम पॉइंट समझना है, यह एक बहुत ही बढ़िया समझने के लिए है कि देखो प्रकृति में भी उदासीनी क्रिया होती है, माने प्रकृति में भी उदासीनीकरण की क्रिया होती है। ऐसे एक नेटल का पौधा होता है, किसका? वो नेटल, उसमें रोआ होता है, रोआ जैसा होता है, जब उसको उसके पास जब टच कीजिएगा ना तो सट जाएगा, रोआ जो है ना आपके भीतर ऐसे सुई जैसा टच कर जाएगा और मेथेनोइक अम्ल क्या निकलेगा। जैसे नेटल के पौधा से मेथेनोइक अम्ल निकलेगा आप में शुरू हो जाएगा, एकदम चारों तरफ खजवाने लगेगा और बेचैन हो जाइएगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बगल में एक डॉग का पौधा होता है, किसका? डॉग। उसके पौधा को ऐसे निचोड़ कर देने से वह क्या हो जाएगा, उसकी जो अम्लीयता गुण है वह खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें होता है क्षारीयता, उसके रस होता है क्षारीय, डॉग का क्या होता है? रस क्षारीय। या नेटल में जो मेथेनोइक अम्ल है इसके पावर को क्या कर देता है? खत्म, और खत्म कर देगा तो नोचनी या खजुएनी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये प्रकृति में दोनों एक साथ पाए जाते हैं, जहाँ नेटल होगा वहीं क्या होगा? डॉग होगा, और नेटल से अम्ल निकलता है और डॉग से छार निकलता है। जब इसके नजदीक जाइएगा नेटल में तो उसमें रोआ होता है, ऐसे टच कर जाएगा और टच करेगा तो भीतर त्वचा में जो है वो मेथेनोइक एसिड छोड़ देगा। जैसे मेथेनोइक एसिड छोड़ेगा बेचैनी शुरू हो जाएगा, एकदम बेचैन हो जाइएगा, अरे भाई क्या हो गए रे, एकदम मम्मी है तेरे खजुआओ तो एकदम ना देह हाथ खजुआए लगी तो पूछा कि तरह भीतर मेथेनोइक एसिड चल गया। अब वही बगलवे में जहाँ भय लगाटना बगलवे में चीहा के तकवन हो देखो डॉग के पौधा हुए, डॉग कौन पौधा बोकर बगल में हुए हुए कहीं नेटल के बगल में ही डॉग माना उगता है। तो अब होता यह है कि डॉग का पौधा निकालो, उसको निचोड़ दो, उसके रस को लगा दो जहां आपको दर्द है या खुजली है, वहां लगाने पर वहां से छार निकलता है, उसके रस से क्या निकलेगा? छार। और वह छार जो है इस अम्ल को नष्ट कर देगा, उदासीन कर देगा और आपका जो खुजली है और जो बेचैनी है वह क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपने बातों को ध्यान से समझा है और इसी बात को अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है।